सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाले फोन काफी प्रीमियम दिखते हैं, और इसी को देखते हुए आज की वीडियो में हम चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 20,000 से 25,000 की रेंज में देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा इन फोन्स में आपको कैमरे की क्वालिटी भी टॉप नोज देखने मिल जाएगी, जिससे आप रील्स बनाना चाहें या डे टू डे भी कैमरे का यूज करना चाहें तो ये फोन्स बेस्ट कैमरा क्वालिटी लेके आने वाले हैं। इसके अलावा इन फोन्स में आपको प्रोसेसर भी तगड़े लेवल के मिल जाएंगे, जिससे आप गेमिंग करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं आपका फोन स्मूथली चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन। गाइस, इस फोन को आपको अमेज़न या ऑफलाइन मार्केट से ही लेना है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पर ये फोन 20,000 से ऊपर में मिलता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, जो कि गेमिंग पर्पस से भी काफी अच्छा चिपसेट है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और बाकी दो कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। और इसके मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरे इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, तो कंटेंट देखने के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 950 निट्स की मिल जाती है, और ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 66 वाट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसकी 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 20,000 में मिल जाता है। सो अगला फोन है नंबर 4 पर रियलमी नार्जो 60 प्रो स्मार्टफोन। गाइस, फोन की प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन चल रही है, और ये आपको इजीली 21,000 में मिल जाएगा, तो इसे आपको ज्यादा प्राइस में नहीं लेना है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, जो कि हैवी गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 100 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इसके मेन कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और ये डिस्प्ले भी कर्व पैनल के साथ मिलती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और 950 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और ये फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 67 वाट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 21,249 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन। गाइस, इन्फिनिक्स का ये फोन प्रोसेसर और कैमरे दोनों की क्वालिटी काफी तगड़ी लेके आता है। तो इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर, जो कि गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग सारे काम आराम से करा देता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरे इसमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और ये फोन एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और 950 निट्स की ब्राइटनेस लेके आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग ये 68 वॉट की लेके आता है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी अच्छा है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 23,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है मोटो H14 न्यू स्मार्टफोन। गाइस, मोटोरोला के इस फोन की सबसे खास बात यह है कि ये इस सेगमेंट का पहला ऐसा फोन है जो IP68 की रेटिंग के साथ आता है, जो कि इसको वाटरप्रूफ बनाती है। इसके अलावा इसमें कैमरे और प्रोसेसर भी तगड़े लेवल के मिल जाते हैं। तो इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है पावरफुल प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और इसके मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा फीचर है, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.55 इंच की पीओलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और ये डिस्प्ले भी तगड़ी क्वालिटी लेके आती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और ये फोन भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 68 वॉट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 23,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन वीवो T2 प्रो। गाइस, अगर आपको इस रेंज में कोई गेमिंग फोन लेना या आप कोई ऐसा फोन लेना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल मिल जाए तो वीवो का ये फोन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। इसके अलावा ये फोन कैमरे की क्वालिटी भी तगड़ी लेके आता है। तो इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर, जो कि हैवी गेमिंग भी स्मूथली करा देता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और इसके मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आउटडोर में भी ये बहुत अच्छे से विजिबल रहने वाली है। बैटरी की बात करें तो ये 4600 mAh की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 66 वॉट की मिल जाती है।
जाती है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 24,000 में मिल जाता है और इसका 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट अराउंड 25,000 में मिलता है।